सब लोगों को सब कुछ रोजगार है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग जाएंगे कहाँ? सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आखिर करें तो क्या करें। हम लोग कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और किसी कोई भी अधिकारी घर से अपना बात कहने तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई कि आप लोग हो या नहीं हो, मतलब कुछ नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे लिए भी कुछ रास्ते बनने चाहिए, जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हमारे लिए भी कुछ रास्ते होने चाहिए, जिसपे हम लोग भी ज़्यादा नहीं लेकिन अपना कम से कम पेट तो हम लोग पाल सकें। कहाँ जाएंगे हम लोग? बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। एक साल से इस समस्या से हम ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी जूझ रहे हैं। इस चीज़ से जितने लोग हैं सभी जूझ रहे हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा थोड़ा परेशानी है, पर सबका कहीं ना कहीं एक गुजारा चल जा रहा है। लेकिन हम लोगों का क्या व्यवस्था है? नहीं परमिशन मिल रहा है, और हम लोगों को सट्टा जो लिखवाया है वो हम लोग को ज़बरदस्ती बुला रहा है कि आप लोग आइए सट्टा कीजिए, और वहाँ पर जाने के बाद प्रशासन द्वारा साउंड उठा लिया जा रहा है, और हम लोगों को आदेश हो रहा है कि आप लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदेश नहीं हुआ है। और हम लोग 4-5 दिन से रोजाना 16 तारीख से ही हम लोग परेशान हैं। डीएम ऑफिस और एडीएम सर और अनेक पदाधिकारी गण के पास जाने के बाद आदेश हो रहा है कि आप लोगों के लिए कोई सूचना जारी नहीं हो रही है। तो ये चाहते हैं कि प्रशासन कार्यक्रम चलाना है तो हम लोगों को 10 से चाहे 8 घंटा चाहे 2 घंटा का समय दे दे, अगर नहीं चलाना है, अगर उनके बस में नहीं है तो एकदम जारी कर दे कि नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। तो जो हम लोग कलाकार बुलाए हैं उनको बाई इज्जत हम लोग उनके घर तक छोड़ दें। और क्या है कि हम सीधे कार्यक्रम 18 तारीख से लोगों का शुरू है, पर क्या है कि 18, 19 और 20 तक हम लोगों ने जबरदस्ती पैर पकड़ करके गाली सुनकर अपने पाल से जिसका एडवांस लिए थे उसको एडवांस दे करके हम लोग थक चुके हैं, और वो जो एडवांस दिए हैं वो जबरदस्ती मांग रहे हैं। वो सारा एडवांस हम लोग कलाकारों में लगा चुके हैं, और उसका भरपाई वो कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं दोगी, क्यों नहीं करोगी, ये बात है वो बात है। और हम लोग का कोई दूसरा धंधा नहीं है, हम लोग का कोई खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग का यही धंधा है, हम लोग का पेट इसी से चलता है। हम लोगों की वजह से, एक मालिक की वजह से कम 100 परिवार जीता है, क्योंकि इसमें 25 लोग काम करते हैं। बलिया में कुल कितने ऑर्केस्ट्रा संचालक? कम से कम मान लीजिए कि 300 से 400 लोग हैं सर। एक गांव में कम से कम, पूरा बलिया जिले की बात बताई जाए तो कम से कम हम लोग के यूनियन में फिलहाल में 200 से 250 लोग जुड़े हैं, और बाकी बिना जुड़े इधर उधर से छोटे मोटे कार्यक्रम चलाते हैं।